अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज योर होस्ट तलहा फ्रॉम तलहा रिव्यूज यूट्यूब चैनल। गाइस, अब बारी आती है वीवो के एक लेटेस्ट स्मार्टफोन की। आपको पता है कि 2021 चल रहा है, हर किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट है, हर बंदे को इलम है, नॉलेज है कि कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है। दूसरी कंट्रीज की बात करूं तो वहां पर स्मार्टफोन जो है वो स्नैपड्रैगन 888 के साथ लॉन्च हो रहे हैं। पाकिस्तान में स्नैपड्रैगन 662 के साथ लॉन्च हो रहे हैं, मतलब कि पाकिस्तान में हर काम उल्टा ही चल रहा है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है, काफी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, काफी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो ब्रांड्स हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी ये लॉन्च हुआ है वीवो Y51S 40,000 रुपए की प्राइस में, मतलब के कुछ भी। हाँ यार, देखो इसकी प्राइस जो है वो 40,000 है, लेकिन वीवो का ब्रांड है तो आपको डिस्काउंट आराम से 3,000 रुपए स्मार्टफोन में मिल जाएगा। हम इस स्मार्टफोन को रखते हैं 37,000 की प्राइस में, कि 37,000 में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं इस स्मार्टफोन में और क्या आपको परचेज करना चाहिए। और ये वाला फ़ोन अभी तक ऑफलाइन में नहीं आया, 17 तारीख को ये जो है वो ऑफलाइन में अवेलेबल हो जाएगा। आई थिंक रात को ही आपको 17 तारीख की रात को अनबॉक्सिंग भी मिल जाएगी इस फ़ोन की। उसके अलावा ओप्पो रेनो 5 भी आ रहा है, सो काफ़ी मज़े की वीडियोज़ आने वाली हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम खासतौर पर बात करने वाले हैं वीवो Y51S के बारे में। देखो, अगर तुम लोग सोच रहे हो लेने का, मेरी ऑडियंस तो इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती है, उनको तो नॉलेज होगा कि भाई कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है कौन सा बुरा है। लेकिन यार, अगर आप थोड़े से भोले हो, आपको नहीं पता कि ये फोन टोटली बेकार है, तो इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। आई होप कि आप लोगों के पैसे बच जाएंगे। और अगर तुम लोग वीवो लवर्स हो, इस फोन की तारीफें सुननी है, तो 2-3 दिन बाद वीडियो वाली सरकार की वीडियो आने वाली है, तो आप उसको देख लेना, आपका दिल खुश कर देगा वो बंदा। सारी चीजें आपको डिटेल बाय डिटेल बताने वाला हूं। देखो, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है कि मेरी वीडियो लाइक की हकदार है, तो बॉस एक लाइक कर देना। लेकिन यार, उसके पहले चैनल पहली बार आया हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाकर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरी वीडियोस के साथ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्राइस हमने माइंड में रखनी है 37,000 रुपये। 37,000 में स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए, 6.58 इंच का एक डिस्प्ले है, जो कि IPS LCD डिस्प्ले है। अब ये वाला फ़ोन जो है, जिसका सक्सेसर है Y51 का, Y51 में सुपर एमुलेट है, बट यहाँ पर आपको IPS LCD मिल रहा है। यहाँ पर आपको ये लोग चूना लगा रहे हैं। FHD+ डिस्प्ले है, किसी भी किस्म का रिफ्रेश रेट नहीं है, नॉर्मल 60Hz वाले पैनल के ऊपर आता है। हत्ता कि इस बजट में आपको 90Hz तो इन्फिनिक्स टेक्नो भी दे रहा है, तो इनका तो भाई हक बनता ही बनता था, बट यहाँ पर कोई भी ऐसा सीन नहीं है। चलो, सुपर एमुलेट नहीं डाला, ठीक है, लेकिन IPS LCD में तो 90Hz डाल देते और कुछ तो इज्जत रख लेते अपने ब्रांड की, बट इन लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। एक नॉर्मल डिस्प्ले है, जो कि इस बजट में आपके पैसे जाया ही करता है। इस बजट में आपको सुपर एमुलेट सैमसंग के फोन में मिल रहा है, A31 आता है इसी प्राइस में, वो फोन आपके लिए ज्यादा अच्छा है। सो डिस्प्ले बेकार है। उसके अलावा वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही है। भाई देखो, पंच होल का जमाना है, लोग पंच होल मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच दी जा रही है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको वाटर ड्रॉप नॉच पसंद है या फिर पंच होल, क्योंकि अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन आई होप कि आपको पंच होल ही पसंद होगा। सो यार, मुझे कमेंट्स में बताना कि आप में से कितने लोग पंच होल पसंद करते हैं और कितने वाटर ड्रॉप नॉच, यार लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके अलावा बैक की बात करूँ, देखो बैक का डिज़ाइन टोटली प्रीमियम है, डिज़ाइन आपको पसंद आएगा, नो डाउट कि डिज़ाइन लेवल का है, और वीवो और ओप्पो के ज़्यादातर डिज़ाइन ही लेवल के होते हैं। स्पेसिफिकेशन तो इतनी खास नहीं होती, डिज़ाइन ही लेवल के होते हैं। सो बैक पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 8 का अल्ट्रावाइट, 2 का मैक्रो या डेप्थ सेंसर होगा। सो कैमरा अच्छे ही होते हैं वीवो के। सो डिज़ाइन के मामले में क्लियरली आपको चीज़ बता रहा हूँ कि डिज़ाइन लेवल का होगा, डिज़ाइन आपको भी पसंद आएगा, डिज़ाइन मुझे भी पसंद है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मेमोरी की, तो यार वीवो के फ़ोन जो हैं वो ज़्यादातर वो लोग लेते हैं जो कि विलेजर होते हैं, जो गाँव के लोग होते हैं, उनके जहन में यही चीज़ बैठी है कि वीवो और ओप्पो के फ़ोन जो हैं, क्योंकि वो पुराने यूज़र हैं, उनके जहन में यही चीज़ है, उनको इतनी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस का, डिटेल्स का नहीं पता होता, और वही लोग इन स्मार्टफोन्स को परचेज़ करते हैं और हर बार नया स्मार्टफोन अपग्रेड करते रहते हैं वीवो ओप्पो का। तो उन लोगों को ऐसी चीज़ों का नहीं पता होता, प्रोसेसर क्या चीज़ है, उन लोगों को एक ही चीज़ का पता होता है। वो लोग शॉप पे आए हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, भाई वीवो का स्मार्टफोन चाहिए, 8GB रैम हो, 128GB मेमोरी हो, ठीक है, शॉपकीपर उनको फ़ोन दे देता है। उन्होंने दूसरी बात ही नहीं करनी कस्टमर ने, उनको यही होता है कि रैम अच्छी मिल रही है, मेमोरी अच्छी है, तो पबजी शबजी हर चीज़ बेस्ट एवर चलेगी। सो रैम रोम ठीक है, कोई इशू नहीं होगा, वैसे मेमोरी अच्छी है, लेकिन मेन मुद्दा है प्रोसेसर का, क्योंकि 2021 चल रहा है, आउट ऑफ कंट्री स्नैपड्रैगन 888 बट पाकिस्तान में 662, सो ये चीज़ बुरी है। और ये वाला चिपसेट अभी इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज भी नहीं हुआ, और Realme 7i में भी यही चिपसेट आ रहा है। तो चिपसेट की बात करूँ, ये अभी इतना ऑप्टिमाइज नहीं है। यहाँ पर आपको पोको M3 अगर आप देखते हैं या आपने उसके बारे में सुना है या आपको पता है,
तो उस फोन में ये चिपसेट आया, तो वहां पर काफी ज्यादा लोगों को लैग इशू मिल रहा है। भी हो सकता है कि जो मी यू 12 है वो कंपैटिबल ना हो इसके साथ, लेकिन अभी के लिए इस प्रोसेसर में लैग इशू है, फुली तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ। और वैसे भी 40,000 की प्राइस यार, 37,000 हमने 37,000 रखी थी ना, तो 37,000 रुपये में आपको G90T मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 720G मिल रहा है जो कि मेरे फोन में रेडमी नोट 9S में आ रहा है। उसके अलावा और भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोसेसर मिल रहे हैं, तो उन प्रोसेसर की बिना पर अगर इसको देखा जाए ये तो उनका बच्चा भी नहीं है। लास्ट चीज बैटरी 5000 mAh 18W फास्ट चार्जिंग, क्योंकि आपको इस बजट में 30W 33W आम मिल रही है, तो क्या आप 18W वाला स्मार्टफोन लोगे? आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, भाई हाजिर है कि 33W या फिर 30W 15W से ज़्यादा होता है और आपका स्मार्टफोन बहुत जल्द चार्ज हो जाता है 30W या 33W वाले चार्जर के साथ। सो ओवरऑल अगर स्मार्टफोन को लेकर बात की जाए तो एक टोटली बेकार फोन है भाई। अगर तुझे नहीं पता ना स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, तुझे स्मार्टफोन्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन तू फोन लेने जा रहा था, तो अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली है यहाँ तक, तो यार इस फोन को बिल्कुल भी ना खरीदना। अभी मैं अनबॉक्सिंग बहुत जल्द करने वाला हूँ, इसके सारे टेस्टिंग वगैरह करेंगे, लेकिन मेरा मूड नहीं है, बट आई विल ट्राई कि मैं सारा कुछ करूँ। और उसके अलावा ओप्पो रेनो 5 भी आ रहा है, सो यार स्टे ट्यून्ड उन चीज़ों के लिए, लेकिन ये वाला फ़ोन बिल्कुल बेकार है। वीवो को हम क्या सलाह दे सकते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो लोग हमारी वीडियो कहाँ देख रहे होंगे। तो लेकिन आप लोगों ने अगर वीडियो को पूरा देखा है तो यार इस फ़ोन को मत खरीदिएगा। अगर आप ये वीडियो फ़ोन के मार्केट में आने के बाद देख रहे हैं तो फिर तो अगर आपने खरीद लिया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर नॉलेज अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, सारा कुछ अच्छा लगा तो लाइक करना। अगर बुरा लगा है या कोई चीज़ गलत बता गया हूँ, गलत गाइड कर गया हूँ, तो ब्रो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने क्या मिस्टेक किया है। सो मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।